हेलो फ्रेंड, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट के आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्राइस एक्शन एक्चुअली काम कैसे करती है। प्राइस एक्शन मींस जो भी प्राइस चल रही है मार्केट में वो कैसे अप डाउन होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ये वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये है आज के दिन की पहली कैंडल, ये 31 दिसंबर की जो चार्ट है वो मैंने ट्रेडिंग व्यू में लगा के रखी हुई है। तो ये पहली कैंडल है, तो ये कैंडल की मूवमेंट, ये अप डाउन या ये वीक वगैरह कैसे बनता है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। वैसे जो लोग ट्रेड वगैरह करते हैं वो उनको पता ही होता है, लेकिन फिर भी टेक्निकल्स में इतने लोग डूब जाते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है वो भी आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, बात करेंगे दिन की पहली जो कैंडल है वो कैंडल जैसे पहली जो कैंडल है वो पहली कैंडल जैसे ही खुलती है तो उसका ओपनिंग यहाँ पे, ये एक्चुअली बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ओपनिंग यहाँ पे होती है 31,300 के अराउंड ओपनिंग। तो दोस्तों, यहाँ से ये कैंडल सीधी जाती है नीचे, तो नीचे कैसे मूव करती है, इतनी नीचे कैसे जाती है? तो दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, अगला दिन जिन लोगों ने BTST किया होगा, बाय टुडे सेल टुमारो, ओके, तो ये लोगों ने अपनी पोजिशन यहाँ पे कहीं पर बनाई होगी, ओके, कहीं पे भी जहाँ पे पिछले दिन का लो है वहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, ओके। और फिर जैसे ही अगले दिन ये कुछ मूवमेंट हुई थी अगले दिन, तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि कल मार्केट ऊपर भी हो सकती है। और उसी वक्त क्या होता है कि जब अगले दिन मार्केट खुलती है तो पिछले दिन का जो क्लोज है अराउंड उसके आजू बाजू ही ओपनिंग होती है। तो जो लोगों ने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया था बाइंग का, वो सोच रहे चलो ये आज, उन्होंने सोचा होगा कि ये गैप अप ओपनिंग होगी और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर गैप अप भी ओपनिंग होती है तो आप देखोगे कि कैंडल नीचे की तरफ पहले आती है, ओके। जैसे बाय किया था तो एग्जिट करने के लिए सेल ट्रेड बनता है, तो यहाँ से ये सेलिंग मींस इसे बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग होती है अगले दिन की ओपनिंग कैंडल पे, और प्रॉफिट बुकिंग जैती और जैसे होती है उसी के साथ सेलिंग भी कुछ होती है। वहाँ पे देखा जाता है कि पिछले दिन का जो लो है उसके करीब ये ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो वहाँ से बाइंग आती है फिर से, ओके, वहाँ से फिर से बाइंग बनती है। और दूसरी ओर से सोचा जाए तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई होगी, ओके, कल के वक्त में मीन्स कल 30 दिसंबर को जिन लोगों ने यहाँ पे सेल की पोजीशन बना दी दिन के हाई पे, तो वो लोगों ने जैसे ही ये मार्केट ऊपर खुली तो ये यहाँ से जैसे बाय किया था जिन्होंने, उनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो थोड़ा नीचे गया, ओके, फिर ये इतना नीचे गया कि जो लोगों ने पिछले दिन सेल किया होगा वो लोग देख सकते हैं कि अगले दिन के हाई तक में हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, तो यहाँ से वो लोगों ने भी अपनी प्रॉफिट बुक की होगी। और जो बाइंग पिछले दिन जो सेल किया था हाई पे, तो यहाँ पे समझ लिया कि लो के नज़दीक है तो वहाँ पे बाई कर लिया, तो यहाँ से बाइंग बनी। तो ये पहली कैंडल ऐसे बनती है दिन की। इन लोगों ने अगले दिन बाई किया होगा या उससे पहले बाई किया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो मार्केट पहली कैंडल आपको ओपनिंग पे नीचे जाती हुई दिखेगी, और फिर वो पूरी नीचे जाएगी, तो अगले दिन जिन लोगों ने अगले दिन के हाई पे या उससे पहले कुछ अपनी पोजिशन शॉर्ट करके रखी होगी, मीन सेल किया होगा, वो लोग जैसे ही ये कैंडल से कितनी नीचे जाती है तो उसे कंसिडर करते हैं कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो वो बाय से प्रॉफिट बुक करते हैं वही एग्जिट होती है उनके और वो बाइंग बनती है, तो उससे ये कैंडल सिक थोड़ी ऊपर आती है, फिर यहाँ पे आके रुक जाती है। लेकिन ये 5 मिनट ख़त्म हो गए तो ये यहाँ पे तो नहीं होगा, तो अभी दूसरी कैंडल में भी प्रॉफिट बुकिंग चालू, तो यहाँ पे ये पूरा प्रॉफिट कवर हो गया। ये देख के कुछ लोग जुड़ जाते हैं और समझते हैं कि ये जो कैंडल है उसका दिन का हाई अभी ब्रेक किया है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, फिर से बाइंग बनती है, और यहाँ पे जाके जब बाइंग यहाँ से होती है तो यहाँ पे सोच लेते हैं कई लोग, अरे चलिए यहाँ से, जो सुबह सुबह जो ट्रेडिंग करते हैं स्काल्पिंग वगैरह जो करते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से बाय कर लिया फटाक से। और मेरी अगली वीडियो भी मैंने बनाई है कि दिन का जो पहली कैंडल का हाई है उसे ब्रेक करते हैं आपको कैसे ट्रेड लेना, तो ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, तो ऐसा करके यहाँ पे जैसे थोड़ा प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वहाँ पे सेलिंग बनती है, फिर से ये कैंडल यहाँ पे आती है, सडनली यहाँ से सेलिंग आपको दिखती है, सेलिंग प्रेशर दिखता है, यहाँ से सेल किया जाता है, सेल किया जाता है और सेल किया जाता है। देन ये क्या है, ये 4-5 कैंडल जो दिख रही है ये क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, ओके, यही प्रॉफिट बुकिंग है।
यहाँ से ये कैंडल जैसे नीचे जाती है, यहाँ पे सोचा था अरे इतनी लंबी यहाँ पे पोजीशन ली थी, इतनी पोजीशन चले इतने तो बहुत हो गया था, यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप, ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, बाइंग है और सेलिंग है, ये सारी चीज़ों को जोड़ के अगर देखोगे तो आपको ये मार्केट को एनालाइज करने में काफ़ी सहूलियत रहेगी और सिंपल से आप अपने ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। ओके, क्या क्राउड साइकोलॉजी होगी वो भी आपको पता चल जाता है। जैसे ये देखिए 4-5 कैंडल दिखी तो यहाँ पे ये सोचा जा सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। आपको ये नहीं दिखना है कैंडल स्टिक के पैटर्न वगैरह, ठीक है वो वही चीज़ों पे काम करती है, लेकिन वो कैंडल स्टिक की पैटर्न होती है उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी रहती है और सेलिंग। और ये जो छोटी छोटी आपको ग्रीन वाली कैंडल या न्यूट्रल सी यहाँ पे अलग तरह का एक चार्ट में लगा के रखा है, तो वो जो कैंडल दिखती है ये एक्चुअली ग्रीन वाली कैंडल है, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। ओके, और ये ज़्यादा लॉट में किया जाता है तब ये होता है। मार्केट ऐसे सीधे ही नीचे डाउन ट्रेंड में नहीं चला जाएगा, पहले यहाँ से सेलिंग होगी, देन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक होगा। जैसे समझ लीजिए मैंने 50 लॉट बाय कर लिए, तो मैं पहले क्या करूँगा 10 लॉट निकालूंगा, 10-10 लॉट, फिर 20 लॉट निकालूंगा। ओके, और फिर मैं सोचूंगा कि चलिए ये प्रॉफिट बुक तो हो गई यहाँ तक, ओके अभी मैं और भी क्या करूँगा, और भी लॉट डालूंगा सेल के लिए। और भी लॉट जब डाले जाते हैं तो वो मार्केट नीचे की ओर जाते हैं। ओके, फिर ये बड़ी कैंडल क्यों आ गई, बड़ी कैंडल इसलिए आई कि अब ये जो भी सेलिंग पोजीशन जिन बड़े इन्वेस्टर ने बनाई थी, वो लोगों जिसे हम ऑपरेटर भी कह सकते हैं, FIDI, उन्होंने क्या क्या तुरंत ही अपनी जो टोटल प्रॉफिट है वो बुक कर लिए और उसी वक्त पे मार्केट ऊपर चला जाता है। ओके, देखिए यहाँ से ही यहाँ से आप इसको देखोगे अगर, तो पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुई थी, फिर यहाँ से कुछ सेलिंग फिर से की गई थी और वो जो सेलिंग के नीचे तक उसको देखा गया, देन फाइनली यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब वक्त है कि प्रॉफिट बुक कर, एक ही साथ प्रॉफिट बुक किया और कैंडल यहाँ पे आ गई। तो ये मारू बोजू या कोई भी बुली सरामी, बैरी सरामी या फिर बोलेंगे एनगल्फिंग कैंडल वगैरह कुछ भी बनते हैं, वो इसके हिसाब से ही बनते हैं, तो ये चीज़ें भी समझनी इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर से मार्केट यहाँ पे गई और फिर से मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे सेलिंग सीधी नहीं होती वैसे बाइंग भी नहीं होती। एक मीन्स एक बार तो आपको रेजिस्टेंस या करेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये करेक्शन हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ से ये जो मूविंग एवरेज है इसका सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर उठी। तो ये चीज़ें भी देखी जाती है, मूविंग एवरेज भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो देखते हैं कि मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ से वो बाइंग लेते हैं। कई लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, ओके कई लोग बाइंग करते हैं। ये बड़ी कैंडल वही है, ये यही इंडिकेशन देती है। देखिए यहाँ से ये सेलिंग आई, लेकिन ये बताया गया कि बाइंग अभी हो रही है इसमें, और ये बताया गया बड़ी कैंडल दिखा के हमने बाइंग तो कर ली है, लेकिन इसको सेल भी करना पड़ेगा। लेकिन सेल करने के लिए सामने बायर भी तो रेडी होनी चाहिए, तो बायर को रेडी करने के लिए मार्केट बनाया जाता है, ऐसे इतना चढ़ाया जाता है, देन यहाँ से वो सिंपली सेल कर देते हैं। ओके, सामने बायर तो रेडी ही रहते हैं, ओके तो ये सेल हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए, ये नहीं कि कुछ टेक्निकल्स वगैरह सीख लिए, ठीक बात है वो भी सीखना चाहिए, लेकिन ये भी एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ताकि आपको क्राउड साइकोलॉजी मार्केट में क्या है वो पता चल सके और आप अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए। तो दोस्तों आई होप कि ये कुछ चीज़ें होगी जो आपको आपके ट्रेडिंग करियर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आई एम रोहित कुमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।